आज की दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर ध्यान दें तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन अभी एक ऐसा देश बन चुका है जिसने अपने वीटो का इस्तेमाल न किया हो, और ये आपने होते हुए भी नहीं देखा होगा। लेकिन अब ये समय आ चुका है कि ब्रिटेन को अपना वीटो भारत को दे देना चाहिए, और ऐसा हम नहीं सिंगापुर के एक्स डिप्लोमेट कह रहे हैं। दरअसल भारत का एक लक्ष्य है कि भारत आने वाले 5 से 7 सालों में कैसे ना कैसे करके यूएन की परमानेंट सीट हासिल कर सके, और ये भारत सरकार का बड़ा फैसला है। दरअसल भारत को दुनिया के हर बड़े मंच में इनवाइट किया जा रहा है, और वो भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है। जहां एससीओ में पाकिस्तान भारत को बुला रहा है, तो यूक्रेन भारत से कह चुका है कि कैसे भी करके इस युद्ध को खत्म करने में मदद की जाए। वहीं खुद यूएन के प्रमुख भारत को मध्यस्थता करने की बात कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर भारत की अहमियत बढ़ रही है, और ऐसे में एक्स सिंगापुर के डिप्लोमेट ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो चीन अमेरिका नहीं पचा पाएंगे। ये बातें किशोर महबूबानी, जो कि संयुक्त राष्ट्र में सिंगापुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी को लेकर कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो इन पांचों मेंबर्स की परमानेंट सीट हिलाकर रख देगा। दरअसल उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ बदलाव करने की बहुत जरूरत है, और ये परिषद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल ये परिषद पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी तक ये ना इसराइल को रोक सका है और ना ही यूक्रेन रूस को, मतलब यूनाइटेड नेशन अपनी क्षमता खो चुका है। बता दें कि किशोर महबूबानी का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक बनाना चाहिए ताकि दुनिया के सभी देशों की आवाज़ सुनी जा सके। वहीं भारत जैसे बड़े और महत्वपूर्ण देशों को यूएनएससी में शामिल करने की संभावना हो पाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि ब्रिटेन को भारत के पक्ष में अपनी सीट को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, उसके पास बड़ी आबादी, तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक मजबूत लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की वैश्विक भूमिका पहले जैसी नहीं रही है, इसलिए भारत को ब्रिटेन की जगह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होना चाहिए। उनका ये भी मानना है कि यूएनएससी में सभी प्रमुख देशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत को शामिल करके ये परिषद और अधिक शक्तिशाली होता हुआ दिखाई देगा। यही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन को लेकर ये तक कह दिया कि ब्रिटेन ने प्रतिशोध के डर से अपनी वीटो की ताकत का इस्तेमाल करने से हर बार परहेज किया है, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लिए लॉजिकल बात यही रहेगी कि वो भारत को अपनी सीट दे दे। साथ ही उनका ये भी मानना था कि आपके पास आज की महाशक्ति होनी चाहिए, ना कि कल की महाशक्तियाँ। दुर्भाग्य से उन्होंने सीट बदलने के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया है, मतलब ऐसा हो ये मुमकिन नहीं है। वहीं ब्रिटेन को लेकर उन्होंने ये तर्क और दिया कि यदि ब्रिटेन अपनी सीट छोड़ देता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक स्वतंत्रता से काम कर सकता है, उसको किसी का भय नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि अभी ब्रिटेन डर की वजह से जहां था अब भी वही है। साथ ही अभी उसके देश में इमिग्रेशन को लेकर समस्या खड़ी हो चुकी है, उससे निपटने के लिए वो अभी हाथ पांव मार रहा है, और जिस तरह अभी सिंगापुर की तरफ से इस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिली है, साथ ही भारत अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है, और धीरे धीरे भारत की जरूरत इन देशों को भी मजबूर कर देगी, फिर इनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के। वैसे आपको क्या लगता है, अब जब पूर्व सिंगापुर के डिप्लोमेट भारत के लिए आवाज बुलंद कर चुके हैं, तो क्या ब्रिटेन समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए वीटो छोड़ सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अमेरिका से जुड़ी हुई है, जो भारत को रूस से भी ज्यादा देने की बात कह चुका है। दरअसल अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगले हफ्ते भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। बता दें कि ये वही अमेरिकी डिप्टी एनएसए है जिन्होंने भारत को रूस से व्यापार करने को लेकर परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली थी। हालांकि बाद में प्रेशर बढ़ता देख व्हाइट हाउस ने इस बयान को खारिज कर दिया था। अब धमकी देकर बात से पलट जाना अमेरिका की पुरानी आदत है, लेकिन रूस से व्यापार, तेल की डील, ये अमेरिका अभी भी हजम नहीं कर पाया है। वैसे अब ये भारत आने वाले हैं, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, और इसी को लेकर एक पत्रकार ने उनसे सवाल कर लिया, इस बार भारत को लेकर आप क्या करने की सोच रहे हैं? तो जवाब मिला है, भारत से हमारा मजबूत संबंध है और हाल ही में कुछ बड़े समझौते भी हमने भारत के साथ किए हैं जो दोनों देशों की दोस्ती को और गहरा कर देता है। खास बात तो यह है कि इस बार भारत आने से पहले डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह का रुख पूरी तरह से बदल गया है। इस बार उन्होंने भारत को आश्वासन दिया है कि अमेरिका रूस से बेहतर साझेदार बन सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत को ऊर्जा, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में रूस से बेहतर प्रस्ताव दे सकता है। अब ये सब कहने के पीछे कोई वजह तो होगी ही। हाँ बिल्कुल है, और वो है चीन के बढ़ते कदम, जिसको लेकर अमेरिका चिंता में पड़ चुका है। दरअसल रूस यूक्रेन हो, इसराइल हमास हो, इनका जो कुछ हो रहा है
वो आंखों के सामने दिख रहा है, पर चीन जो कर रहा है और करने की सोच रहा है वो किसी को पता नहीं है। ये वही चीन है जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती से ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिशन बनता जा रहा है, जिसमें अमेरिका को अब ये एहसास हो चुका है कि सिर्फ इसमें भारत ही उसकी मदद कर सकता है। यही वजह है कि डिप्टी एनएसए नरम पड़ चुके हैं और रूस से ज्यादा देने की बात कह चुके हैं। यही नहीं, अमेरिका का ध्यान इस बार चीन के प्रोडक्शन क्षमता पर है, जहां चीन अपने उत्पादों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी देता है, जिससे वो अधिक उत्पादन करता है और बाजारों में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेता है, जिससे अमेरिका और भारत दोनों का ही नुकसान हो रहा है। मतलब इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत की जाएगी। वहीं अमेरिका का आप साफ देख सकते हैं, वो अपना फायदा पहले देखता है। यही वजह है कि चीन उसके ऊपर हावी हुआ तो अमेरिका डिप्टी एनएसए को भारत भेज रहा है, जहां भारत तब से तेजस के लिए इंजन, अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी, ये सब देख रहा है, पर इसके लिए वो कुछ कर नहीं रहा है। यहां आप देख सकते हैं, अमेरिका भारत का इस्तेमाल करना चाहता है, पर आप भारत को जानते हैं, अमेरिका के कहने पर रूस को भारत छोड़ नहीं सकता है। वहीं आप भारत को एक काम पहले कर लेना चाहिए, वेनेजुएला से तेल लेने का रास्ता, जो फिलहाल अमेरिका ने बंद करके रखा है, क्योंकि अभी ONGC को वेनेजुएला में दो प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका की मंजूरी चाहिए। मतलब जब तक अमेरिका कुछ नहीं कहता है, भारत के हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर अमेरिका भारत से कुछ चाहता है तो उसको भारत की ये बात माननी होगी, वरना अगर भारत को आर्थिक नुकसान होता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ग्रीस से निकल के आ रही है, जहां अमेरिका भारत के अपाचे की डिलीवरी पूरी नहीं कर रहा है, और जिसकी पूरी कर भी रहा है उनको ऐसे घटिया क्वालिटी के हथियार देने में लगा है कि वो देश अमेरिका के हथियार ही रिजेक्ट करने में लगे हैं। दरअसल हाल ही में ग्रीस ने अमेरिका से मिली पुरानी ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल यानी कि BFV को लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि ग्रीस का कहना है कि ये व्हीकल बहुत खराब हालत में है और इन्हें ठीक करने में बहुत पैसा और काफी समय लगेगा। वहीं अमेरिका ने ग्रीस को 62 ब्रेडली वाहन दिए थे, पर इन वाहनों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि ये वाहन बहुत पुराने हैं और इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। और ये तो कुछ भी नहीं, कई वाहनों के तो जरूरी हिस्से भी नहीं थे और इन वाहनों को ठीक करने में ग्रीस को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। ग्रीस के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इन वाहनों को ठीक कर सके। वहीं ग्रीस ने इन वाहनों को अपनी सेना में इस्तेमाल करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन अब इनकी हालत इतनी खराब है जिसके कारण ग्रीस को अपनी योजना बदलनी पड़ गई है। इससे ये साफ है कि ग्रीस को अमेरिका से मिली सैन्य सहायता से कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब ग्रीस के लिए समस्या ये है कि उसे नए वाहन खरीदने होंगे या फिर पुराने वाहनों को ही ठीक करना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्रीस इस स्थिति से कैसे निपटता है। और ये घटना हमें भी सिखाती है कि किसी भी देश को किसी दूसरे देश के सैन्य सहायता लेने से पहले बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे मिलने वाली सहायता उसके लिए उपयोगी है भी या नहीं। यही वजह है कि भारत आत्मनिर्भर होने के प्रयास में लगा है। कब कहां कौन सा संकट दस्तक दे जाए कोई नहीं जानता। जबकि ग्रीस की बात करें तो ये तो नेटो सदस्य है, फिर भी अमेरिका ऐसा करने में लगा है। मतलब अमेरिका के लिए सबसे जरूरी वो खुद है, और ये बात भारत को भी गांठ बांध लेनी चाहिए। वैसे आपको ग्रीस के इस फैसले के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा।